अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न एमसीक्यूज ऑफ सेकंड ईयर इंटू द अकाउंट्स ऑफ अ क्लब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट्स। भाई जाहिर सी बात है, रिसीवेबल्स हमेशा क्या होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये क्या आपका एसेट्स। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज इनकम ऑफ ₹5,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 500, एट द एंड ऑफ द ईयर 700। The amount to be shown in the receipts and payment will be. तेरा सब इनकम कितनी है? 5,000 है। रिसीवेबल कितनी है? 500। तो रिसीवेबल क्या होती है? ऐड होती है। और एंडिंग बैलेंस क्या होगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, कितनी आ जाएगी इनकम आपके पास? अभी कितनी आ जाएगी इनकम आपके पास? 4,800। ठीक है, 5,000 प्लस 500 माइनस 700। हाँ, 5,000 प्लस रिसीवेबल 500 ऐड किया आपने, पर एंडिंग माइनस कर, तो क्या आ जाएगा? एंडिंग आ जाएगा। ओ सॉरी, एंडिंग क्या रहा? तो आ जाएगा आपके पास इसका मान। तो हम क्या कर रहे थे भाई, सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज सब्सक्रिप्शन इनकम इंक्रीज 5,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है आपका 500 है, और एंडिंग कितना है? 700। अमाउंट टू बी शोन इन द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट विल बी कितना होगा? 4,800। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कितना होगा? 4,800। ठीक है, 5,000 इनकम में से आप 500 ऐड करेंगे, 700 माइनस करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम कितना आ जाएगा? 4,800 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है नंबर 3। इसको ऊपर का पूछ रहा है, वरना हम नॉर्मली क्या करते हैं, एंडिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग लेस करते हैं। A debit balance in the income and expenditure account is deal with by. Debit balance in the income and expenditure account is deal with by addition to the accumulated fund, deduction from the accumulated fund, inclusion in the balance sheet as current assets, inclusion in the balance sheet as liability. We get a debit balance in income and expenditure account is deal with by deduction from accumulated fund. डेबिट बैलेंस आएगा तो क्या होगा? फंड्स आपके कम होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो फंड बढ़ता है, लॉस होगा तो फंड कम होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 4। द फंड ओवर विच थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट आर नोन एज एंडोमेंट फंड। कहलाता है हमारा एंडोमेंट फंड, कहलाता है जिसमें थर्ड पार्टी की रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट करे, ये करना है इसमें, इस तरह करना है, उसको ऐसे दोस्तों वहां लगाओ, उसको यहाँ लगाओ, ये कहलाता है आपका एंडोमेंट फंड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन January 1 600, साल के शुरू में स्टॉक था आपका स्टेशनरी का 600। पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2,800, स्टेशनरी पेमेंट आपने 2,800 करी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो ऑन December 31 400 की रह गई। द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंस कितना आएगा भाई? साल के शुरू में था स्टेशनरी कितना बैलेंस? 600। ठीक है, और पेमेंट फॉर स्टेशनरी यानी परचेज करी स्टेशनरी 2,800 की, ओपनिंग था 600, 2,800 खरीदी, टोटल कितनी की? 3,400 की हो गई। और कह रहा स्टॉक रह गया स्टेशनरी का 400, 3,400 की थी, 400 की रह गई, तो भाई कितना एक्सपेंस आ रहा है? 3,000 का एक्सपेंस आ रहा है इसका स्टेशनरी का। नंबर 6 आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज एट ₹20,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एट बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट दैट फिगर्स इन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट अंडर द हेड ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी 19,000। ओके, कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज एट ₹20,000। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बता रहा है, आपका आंसर बता रहा है जो आपने कैलकुलेट करके निकाला, कितना निकाला? 20,000। रिसीवेबल कितना था? 2,000। ठीक है, ओपनिंग और एंडिंग कितना था? 3,000। द अमाउंट दैट फिगर्स इन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट अंडर द हेड ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी, यानी रिसेप्शन पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कितना होगा उसका, सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट होगा? तो भाई आप लिख चुके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 20,000, साल के शुरू में था 2,000, एंड में 3,000,
अब आपको जो ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस लिखा था वो पता करना। कैसे पता करेंगे? आप 20 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 23, नहीं सॉरी उल्टा बोलूँ, 20 में आप 2 ऐड करेंगे बिगनिंग और एंडिंग माइनस करके, ठीक है ना। 20 प्लस 2 बिगनिंग ऐड किया आपने और 3000 एंडिंग माइनस करा तो ऊपर का आ जाएगा 19000, ठीक है ना। क्योंकि जब 19000 में आप एंडिंग ऐड करते हैं 2000 3000 और ओपनिंग माइनस करते हैं, ये ओपनिंग पिछले साल की होती है ना, मैंने बताया अगला पिछले साल हमेशा सब्सक्रिप्शन में क्या होता है माइनस, और करंट ईयर का क्या होता है हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ जब आप ऊपर की चीज निकालोगे तो रेसिप्रोकल कर दो, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ठीक है। तो इसलिए क्या करें हम यहाँ पर 20 प्लस 2 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 19000 आपका रिसेप्शन पेमेंट था सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये तो कैशबुक होती है बेसिक, तो क्या होता है नन होगा, इनमें से कोई ऑप्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं करना। नंबर 8, द अमाउंट इन मेंबर सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, द अमाउंट इन मेंबरशिप मेंबर सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, सरप्लस एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी। मेंबर्स जब एडवांस पे करेंगे तो अनर्न सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और अनर्न क्या होती है आपकी लाइबिलिटी। जब एडवांस मेंबर आपके पे करेंगे तो क्या कहलाती है आपकी लाइबिलिटीज कहलाती, ठीक है। अनर्न क्या है आपकी लाइबिलिटी, अनर्न सब्सक्रिप्शन, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, इफ सम ऑफ द क्लब मेंबर्स हैव नॉट पेड देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय द एंड ऑफ द क्लब financial year and the club decided not to include the subscription due to as revenue for the year, the concept club is applying, the club kaun sa concept apply kar raha hai, to ye concept entity principle, entity to aapka owner's equity ka principle hota hai ki owner aur jo hai company dono alag hote hain, theek hai। Fir consistency hai nahi, मैचिंग प्रिंसिपल है जिस साल खर्चे, ये प्रूडेंस कहलाता है कि अगर आपने टोटली सोच लिया कि भाई आपने वो खर्चे को या वो इनकम को इस साल में एडजस्ट करना ही नहीं है तो आप कहाँ लिखते हैं उसको, उसे कहाँ लिखते हैं आप नेक्स्ट ईयर में आपने मुझे ट्रांसफर कर लेते, ठीक है ना। क्लब मेंबरशिप फीस है आपको नहीं मिली, ठीक है ना, क्लब फाइनेंशियल ईयर एंड द क्लब डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन ड्यू टू रेवेन्यू फॉर द ईयर, द कॉन्सेप्ट क्लब इज अप्लाइंग, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड, सर 9 वाले वापस से बस समझाएं, टू प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि आप उस साल में लिखना नहीं चाह रहे, वरना मैचिंग प्रिंसिपल ही होता है कि साला खर्चा तो उस साल लिखा जाता है, आप कह रहे हो मुझसे लिखना ही नहीं, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप एक्सपेंस को, क्योंकि आपको लगता है कि इस साल मिलना ही नहीं, साल में डालना ही नहीं, अगले साल में डालना है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये किसमें एंटर नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन पेमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब, चीज है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। नंबर 11 पे आते हैं, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट शोज द फॉलोइंग डिटेल, सब्सक्रिप्शन एरियर 500, करंट 500, एडवांस 800 और देयर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपीज 10, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, क्या रिसेप्शन पेमेंट कितना बता रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एरियल्स कितना है 500, करंट का कितना है 10500, एडवांस कितना है 800, 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10, यानी कि भाई करंट 10500 था, 500 एरियल था, एडवांस था, देर आर
1200 members each paying annual subscription rupees 10, the amount be credited in the income and expenditure account will be क्या एंटर होगा ये बताइए. कितना एंटर हुआ? लेकिन देर आर 1200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 10. सालाना जो मेंबरशिप बन रही है वो तो सिंपली 1200 × 10 12000 बन रही है. ये 12000 ही आपकी डायरेक्ट एंटर होगी. कितना मिलना बाकी कितना है इसके अलावा इनकम असल वो लिखेंगे ठीक है 12000 क्योंकि अगला पिछला नॉर्मली माइनस करते हैं. हमें करंट ईयर की चाहिए होती कितनी की इनकम. द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट शोज दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव एज करंट ईयर 10,000, प्रीवियस ईयर 1,000, नेक्स्ट ईयर 1,400. द अमाउंट टू बी टेकन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी रुपीज. अगला और पिछला हमेशा क्या करते हैं माइनस करते हैं. तो प्रीवियस ईयर 1000 माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर 1400 भी क्या होगा माइनस. दोनों आप कर देंगे माइनस 10,000 में से कितना आ जाएगा 7,600 आ जाएगा आपके पास. क्या चीज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में. सही है बच्चों? कितना लिखेंगे 7,600. A club accumulated fund is 11. वापस समझा दो. हर एनसीक्यूज में क्लब आ रहा है. क्लब क्या है? क्लब है ना नॉर्मली भाई. क्लब लिखा है जरूरी क्लब है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. क्लब भी हो सकता है इसमें जो आपका जो है वेलफेयर भी हो सकती है ठीक है ना. नॉन प्रॉफिट टॉपिक है ना. अच्छा जी 11 वापस समझा. 11 में कह रहा है कि भाई 1200 मेंबर है. हर बंदा एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है 10 रुपए. तो कितना लिखा जाएगा 1200 × 10 12000 आएगा. पिछले साल की इतनी, 30 साल की, अगले साल की इतनी है. तो वो हमारी वैसे टूट नहीं होनी होती. करंट अब तक कितना पे कर चुका. तो भाई अब अभी भी मिलनी बाकी भी तो होगी ना. तो बता रहे 1200 हर बंदा 10 रुपए देगा. सब्सक्रिप्शन कितनी बन रही है 12000. बच्चों सर लेकिन हम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन एरियर और करंट वाली जो है वो माइनस प्लस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट बता दिया ना कि 1200 जो है मेंबर्स हैं जो एनुअल इतनी देते हैं. तो हमें तो ये बता दिया एक्यूरेट वैल्यू से कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बन रही 12000 बने. इसी डायरेक्ट हमने उसको लिख दिया ना पिछली एक्ट में देखते नहीं इसलिए. ओके सर ठीक है. कहां थे 13 पे. देखो अ क्लब एक्युमुलेट फंड इज द अमाउंट बाय व्हिच इट्स एसेट एक्सिड्स इट्स लायबिलिटी. कोई बात है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. तो फंड हमारा कैपिटल की जगह यूज होता है ठीक है ना. अच्छा क्लब लॉस इज ऑफन डेफर्ड टू एस. भाई प्रॉफिट होता तो हम लिखते हैं सरप्लस. लॉस होगा तो क्या लिखेंगे हम डेफिसिट. Income and expenditure account is maintained from start of the year, end of the year, middle of the year. So we start from the year sab income and expenditure account maintain karna shuru kar dete. The balance sheet is a prepared at end of the year. Saal ke end mein banti hai. Subscription account credited in the income and expenditure account should be equal to subscription fees per member multiplied by number of members. वही जो पिछला हमने किया 1200 × 10 किया 12000 बना मल्टीप्लाई ऑफ 10 करता. ऑफिस सप्लाईज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी रिपोर्टेड इन द ऑफिस सप्लाईज एसेट्स होती है. बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे आप. एक्रूड सैलरीज एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट. एक्रूड सैलरी मतलब सैलरी पेबल. कहाँ रिपोर्ट होगी? बैलेंस शीट के पेबल यानी लायबिलिटी. If rent is appeared in the amount side to the cash book, it means क्या है वो rent expense. सही? Payment आपके expense आता है जैसे आपकी income आती है ना. Unearned rent shows rent received in advance. Unearned क्या show करता है? Received in advance.
23 अलाउंस और डेप्रिसिएशन मस्ट बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट. अलाउंस और डेप्रिसिएशन का रिपोर्ट करते हैं बैलेंस शीट. बैड डेट एक्सपेंस मस्ट बी रिपोर्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सही. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज हैविंग टू कॉलम. ठीक है, एक एक्सपेंस दूसरा इनकम. ठीक है बच्चों, ये हो गया बुक के एमसीक्यू. दबाते हैं पास पेपर्स के. When receipts of a non-profit concern higher than the payment, the difference will be क्या कहलाएगा, surplus कहलाएगा. ठीक है ना. ओके भाई, तो ये पहली बात, when receipts of non-profit concern मैंने पढ़ा है higher than the payment. अगर receipt ज्यादा होगी payment से क्या आएगा, surplus. और अगर payment ज्यादा होगी तो deficit आता. A non-profit concern aggregate fund is the substitute of capital. Owner's equity का substitute होता है. The account does not appear in the balance sheet. कौन सा account है? Purchase return account. आपका income statement में आता है, balance sheet में नहीं है. Bank आपका भी balance sheet में आता है. Reserve of plant assets भी आपका balance sheet में आता है. और bank order भी आपका balance sheet में आता है. 17 पे आते हैं. आप बुक पहले भी शो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस विल बी शोन. अनंत सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक आता है. नॉन प्रॉफिट कंसर्न The amount collected from members on regular basis is known as subscription. A non-profit concern, the amount collected from members on regular basis. Member होते हैं वो तो pay करते हैं, उसे क्या कहते हैं, subscription देते हैं. 15 पे आते हैं. Income and expenditure account in a non-profit concern is substitute of profit and loss. Profit and loss की जगह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, या प्रॉफिट लॉस करूं या इनकम स्टेटमेंट बोलूं, यहाँ ये बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सेकंड, दिस इज अ लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आपकी लायबिलिटी होती है. इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक्यूरेट फंड इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैपिटल, पहले ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट हुआ एमसीक्यू. 14 रेगुलर पे आते हैं. इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न द टर्म एक्यूरेट फंड इज यूज इन प्लेस ऑफ कैपिटल, ये भी रिपीट हुआ है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न इज सिमिलर टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी. द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड इन नॉन प्रॉफिट अर्निंग. समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड, वही कैश रिसेप्शन पेमेंट कहलाता है आपका, जिसको देख के आप बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. The credit balance of an income and expenditure account represent surplus. Debit balance deficit कहलाता है, credit balance surplus कहलाता है. Surplus of income over expenditure. 14 private पे आते हैं. A non-profit organization, excess of income over expenses is called surplus. 13 private. Receipt payment account is a summary of cash book. 14 advance from customer. The amount collected from the members by a non-profit organization on annual basis is called subscription. Repeat two MCQs. Non-profit organizations are established for welfare purpose. किसी बनती है non-profit organization welfare के लिए.
नॉर्मली अर्निंग तो प्रॉफिट का काम ही नहीं होता, नॉन प्रॉफिट है, ट्रेडिंग भी नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती, सीधी वेलफेयर होती। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर है। सेल्फ रेगुलर पे आते हैं, इनकम ओवर एक्सपेंसेस सरप्लस को बोलते हैं, रिपीट हुआ एमसीक्यू से भी। दिस इज शोन एज अ लायबिलिटी, ये भी रिपीट हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या कहलाता है, डेफिसिट कहलाता है। खर्चा ज्यादा हो कमाई कम हो तो क्या कहेंगे उसे, डेफिसिट। दिस आइटम इज एन इनकम इन अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, सब्सक्रिप्शन को इनकम कहते हैं नॉन प्रॉफिट में। दिस आइटम इज नॉट एन इनकम इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी इनकम नहीं, एक्सपेंस होता है, कर्जा लिया आपको पैसे देने होते हैं। द डेफिसिट बैलेंस इन टर्म ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, डेफिसिट क्या कहलाता है आपका, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम। ठीक है जी, 11 प्रॉफिट 10 बचा, अभी दो करेंगे। सर 11 रेगुलर का सेकंड वाले वापस बता दें। कह रहा एक्सेस ऑफ डेफिसिट ओवर इनकम, तो द डेफिसिट बैलेंस क्या कहलाएगा, जब एक्सपेंस ज्यादा हो इनकम कम हो तो डेफिसिट आता है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम हो तो सरप्लस आता है। ये कैसे होता है ना, जी सर। क्या नहीं आते हैं।